रिएक्शन क्यों करें वो क्लियर नहीं, रिएक्शन क्यों करें वो क्लियर नहीं। तो रिएक्शन हमको क्यों करना चाहिए, आज थोड़ा सा मैं उस पर फोकस करूंगा, उस पर मैं बातचीत करूंगा जो मेरा अनुभव रहा है, क्योंकि मैं जो भी बात करता हूँ वो अनुभव की बात करता हूँ। कुछ हमारे पास कुछ बनावटी चीज़ें नहीं हैं, और लगभग रिएक्शन में 97% और विशेष करके जो रिएक्शन आरबीसी को फॉलो करते हैं 99% लोगों के पास कोई बनावटी चीज़ नहीं। तो दोस्तों हमारे जीवन में क्या चाहिए, सबको पता है, पहले बचपन में कहा जाता था कि रोटी कपड़ा और मकान, ये सबके दिमाग में एक चीज़ था कि रोटी कपड़ा और मकान, रोटी कपड़ा मकान का काम, ठीक है, उसी पर लोग काम करते थे। और कुछ लोग उसमें मजदूरी करके अपना रोटी कपड़ा का जुगाड़ कर लेते थे, छोटा मोटा मकान भी बनवा लेते थे। कुछ लोग परदेश चले जाते थे, वहाँ जाके मजदूरी करते थे। कुछ लोग जो है आज दुकानदारी भी कर रहे हैं, और कुछ लोग गवर्नमेंट जॉब में भी कर रहे हैं, करके उनका रोटी कपड़ा मकान का व्यवस्था हो जाता है। लेकिन दिक्कत यह है कि ये जो भी व्यवस्था है, ये मजदूरी वाला व्यवस्था हुआ या ये दुकानदारी वाला व्यवस्था हुआ, या इवन कहा जाए तो छोटा मोटा जो गवर्नमेंट जॉब है उसकी भी बात किया जाए, इससे बस इतना ही हो सकता है कि हमारी ज़रूरतें पूरा हो सकती, हमारा चाहत नहीं पूरा हो सकता, ज़रूरत ही पूरा हो सकती, केवल ज़रूरत ही हम पूरा कर सकते, हमारा बस काम आसानी से, मतलब किसी तरह से खींच तान के काम हमारा चलता। लेकिन हम अगर चाहें कि हमारा चाहत पूरा हो जाए, चाहत नहीं पूरा हो पाए, हम चाहें कि आज हमको थोड़ा सा जाके एक आध महीना तक कहीं वैकेशन, कहीं छुट्टी गुजार के आए, जैसे कि कभी इस समय गर्मी का मौसम चल रहा है, थोड़ा हम श्रीनगर घूमाएं या थोड़ा विदेश की यात्रा में चले जाएं, ठीक है, ऐसे नहीं हो पाता है, क्योंकि वहाँ पे जो पैसा होता है वो लिमिट होता है, और जितना पैसा आता है वो पैसा आने से पहले उसका हिसाब बन चुका होता है, और हमारे पास कुछ एक्सेस होता नहीं है कि हम कुछ छोटा मोटा एंजॉय या कहीं पे बाहर या कहीं वैकेशन या कहीं मनाने हम चले, नहीं हो पाता, क्योंकि हमारा बजट अलाउ नहीं करता, यानी कि हमारी ज़रूरतें पूरा होती, चाहत नहीं पूरा होती। लेकिन बात करते हैं कि हमको हमारा जो घर है वो घर कैसा होना चाहिए, ठीक है, रोटी तो आजकल लगभग सब लोग खा ही ले रहे हैं, ठीक है, आजकल कोई भूखा नहीं मर रहा है, ठीक है, आजकल रोटी आसानी से मिल भी जा रहा है, और रोटी का व्यवस्था तो हम देख रहे हैं कि गाँव देहात और शहरों में गवर्नमेंट भी कर ही दी, ठीक है, राशन पता ही मिलिए जा रहा है, तो रोटी का व्यवस्था हो जा रहा है, सबका हो जा रहा है, ठीक है। और कपड़ा की बात किया जाए तो आजकल कपड़ा भी लोग आसानी से पहन ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन बात करते हैं घर, तो घर कैसा होना चाहिए, ठीक है, हमारा एक अच्छा घर होना चाहिए। अच्छा घर का मतलब यह है कि बंगला टाइप का होना चाहिए, उसमें हम एंट्री करें तो लगे कि हम घर में रह रहे हैं, ठीक है। जैसे कि अभी हम लोग कभी कभी होटल में जाते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि बहुत शानदार होटल के कमरा बना हुआ है, और उसमें मोटे मोटे गद्दे, मोटे मोटे ये तकिया, और हर चीज़ का व्यवस्था उसमें, गर्म पानी, ठंडा पानी, किस पानी से नहाना है, ये सारा सुविधा उस अंदर रहता है। बाहर से भी देखा जाए तो एक शानदार, मतलब एक लुक होता है, ठीक है, तो वो तो होटल है, हम लोग होटल में जाते हैं। लेकिन वहीं पे अगर हम लोग उस रास्ते से गुजरते हैं, कई बार हम देखते हैं कि एक शानदार बंगला होता है, ठीक है, उस बंगले के अंदर का भी लुक वही रहता है, और उस बंगले के बाहर का लुक वही रहता है, देखने वाला रहता है, और उसके अंदर जाएंगे तो हमको सारा सुविधा वैसे ही, यानी कि हमारे जीवन में एक अच्छा घर होना चाहिए। और ये अच्छा घर होगा कैसे, ज़रूरत के लिए हम काम करेंगे तो नहीं, ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास एक अच्छा इनकम होना चाहिए। जब अच्छा इनकम होगा तभी तो जाके हम अपनी जो चाहत के हिसाब से जो काम है उसको हम कर सकते हैं। अगर अच्छा इनकम नहीं होगा तो हम जैसे तैसे जीवन हम काट लें। अब अच्छा इनकम के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि आज तक जो हम कर रहे थे, चाहे नौकरी हुआ, मजदूरी हुआ, जो भी कर रहे थे, उससे तो एक अच्छा घर हमारा बन नहीं पाया, ठीक है,
एक बढ़िया हमारा घर तो बन नहीं पाया, तो कैसे जैसे तैसे हमारा काम चल रहा है, तो फिर आखिर ऐसा क्या करें? ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम बाद में बताएंगे, लेकिन इसका एक ड्रीम होना चाहिए कि हमारे पास एक शानदार बंगला, ठीक है, और शानदार जब बंगला रहेगा तो वहाँ पे एक हमारे पास शानदार गाड़ी भी होना चाहिए। गाड़ी इसलिए होना जरूरी है कि तब तक जो है हम मोटरसाइकिल से जीवन काटेंगे, तब तक जो है हम भाड़े पे चलते रहेंगे। एक हमारे पास पर्सनल कार होना चाहिए जिससे जब हमको जरूरत पड़े, जहाँ भी जरूरत पड़े वहाँ पे हम जा सकें। ठीक है, तो एक अच्छा हमारे पास गाड़ी होनी चाहिए। दूसरा चीज, उसके आगे बढ़ते हैं, तो आज के परिवेश में, आज के परिवेश में शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व है। आज अगर शिक्षा की बात किया जाए तो लोग शिक्षा पर बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं, बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं। हर कोई चाहता है कि हमारा बच्चा बढ़िया अच्छा स्कूल में, अच्छा विद्यालय में पढ़े, हर कोई चाहता है। ठीक है, लेकिन जिस समाज से हम बिलोंग करते हैं, ठीक है, या तो मध्यम वर्ग कह लीजिए या पिछड़ा वर्ग कह लीजिए, निचला वर्ग कह लीजिए, तो यहाँ के जो बच्चे हैं वो ज्यादा से ज्यादा एक मॉन्टेसरी स्कूल में पढ़ लेते हैं, नहीं तो प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं। ठीक है, इसलिए कि हमारे पास उतना बजट नहीं है, उतना पैसा नहीं है कि हम अपने बच्चे को एक अच्छा स्कूल में दाखिला करा सकें, बढ़िया स्कूल में पढ़ाई करा सकें। हमारे पास बजट नहीं, हमारे पास वो हमारा जेब अलाउ नहीं करता। स्कूल तो बहुत बड़े 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 हैं, बढ़िया बढ़िया हैं। ठीक है, आप आरबीसी यूट्यूब चैनल पे जाएंगे तो आप एक प्रोग्राम है, शिक्षा को लेकर बड़ा बढ़िया बताया बताए हैं, रोशन को बताए हैं। ठीक है, कि देहरादून में स्कूल है, ठीक है, महाराष्ट्र में स्कूल है, और जो है आपका तमिलनाडु में स्कूल है, जहाँ इस स्कूल का फीस बहुत लगभग लगभग लाखों में, 7 लाख 8 लाख सालाना उनका जो है चार्जेस। लेकिन वहाँ के जो बच्चे होते हैं, जो पढ़ते हैं, वो तो कहीं ना कहीं वो तो सक्सेस की तरफ ही डायरेक्ट जाते हैं। ठीक है, तो शिक्षा बहुत जरूरी है। ठीक है, और बढ़िया शिक्षा। अब प्राइमरी स्कूल के जो बच्चे पढ़ते हैं वो क्या करें, उनका तो भविष्य ऐसे ही तय है कि मजदूरी ही करें। ठीक है, तो एक अच्छा एजुकेशन के लिए हमारे पास एक अच्छा बजट होना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमको देखना होगा कि जो हम काम कर रहे हैं, चाहे मजदूरी कर रहे हैं, चाहे जो भी कर रहे हैं, तो क्या उसे हमारा बच्चा एक अच्छा विद्यालय में एक अच्छा एजुकेशन ले पाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद से आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं तो देश विदेश की यात्रा की बात है, कि हमारे जीवन में देश विदेश की यात्रा भी होना चाहिए। हम देखे हैं कि लोग पूरा जीवन एक ही जगह पे काट काट लेते, पूरा जीवन। ठीक है, हम तो अभी एक एक दुकानदार को हम देख रहे हैं, आपने जयपुर में, कि हम उनको 1996 में देखे थे तो उसी जगह पे बैठे थे। ठीक है, और 2023 में देखे हैं उसी जगह पे बैठे, उनका कहीं चेंजिंग नहीं हुआ। हाँ, एक चीज जरूर चेंजिंग हुआ, जब 1996 में उनको हम देखे थे तो एकदम उनका सब तो नौजवान थे, पूरा दाढ़ी बाल ये हर हर चीज एकदम मस्त मस्त था। लेकिन आज क्या है कि आज सर में एक भी बाल नहीं है, तो दाढ़ी है तो सारा वाइट हो गया है। ठीक है, सब बूढ़े हो गए, लेकिन एक ही जगह पे बैठे। एक बार हम पूछ दिए उनसे कि अंकल जी, अरे कभी आप सब सलेमपुर छोड़ के भी कहीं गए हैं? गए हैं ना, कई बार गए हैं, बनारस गए हैं, गोरखपुर अक्सर हम जाते हैं माल लाने के लिए, पहले जाते थे, अब तो जो है अब तो खुदे आ जाते हैं व्यापारी कुल, सब सैंपल दिखा उखा के उसके बाद से वो बहुत बढ़िया। ठीक है, उसके बाद से तो एक आध बार बाबा धाम भी गए हैं, घूम के आए हैं, यानी कि पूरा जीवन बीत गया। ठीक है, लेकिन इंडिया में भी कोई अच्छा जगह देखा जाए तो नहीं घूमता, क्योंकि पैसा तो है थोड़ा बहुत, लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि उनके पास समय भी, और वो लोग देश विदेश का, देश विदेश के बारे में सोच ही नहीं सकते क्योंकि समय नहीं। ठीक है, तो देश विदेश की यात्रा के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? अब आपको देखना होगा कि आप जिस सेक्टर में हैं, हम डिएक्शन की बात नहीं कर रहे, आप जिस सेक्टर में हैं जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, तो क्या वहाँ पे कभी देश विदेश की यात्रा मिल सकती है?
हम तो देख रहे हैं कि पूरा जिंदगी लोगों का बीत जा रहा है लेकिन नहीं मिल पा रहा, ठीक है। उसके पास है और क्या चाहिए, तो कुछ हमारे जीवन में सम्मान वाली बात है, कुछ सम्मान भी हमको चाहिए। एक आदमी होता है, काम करता है, ठीक है, और काम करने के बाद से उसको पूरा जीवन काम करता है, पूरा जीवन काम करके निकल जाता है, थोड़ा सा गवर्नमेंट जॉब में तो कहीं थोड़ा बहुत इज्जत मिल जाता है, लेकिन हमको नहीं लगता है कि प्राइवेट जॉब में कहीं कोई इज्जत मिलता है, कोई सम्मान मिलता है। और मजदूरी का तो बात ही छोड़िए, उम्र हो भी गया है, मजदूरी करने जा रहे हैं, तो सम्मान की तो बात ही छोड़िए, सर को बात ही हमको सुनने को मिलता है, ठीक है। और सम्मान की बात किया जाए तो कहाँ पे मिलता है, इसको भी थोड़ा सा समझेंगे, सम्मान सम्मान क्या चीज़ है और सम्मान मिलता कहाँ, ठीक है। इसके अलावा सम्मान की बात करते हैं तो जिस ट्रेडिशनल मार्केट या जिस मार्केट में है, जहाँ पे जो काम कर रहे हैं वहाँ पे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो बात करते हैं निरोगी काया, यानी कि जो हमारा शरीर है ये शरीर निरोग है कि नहीं, ये तो जिंदगी का बहुत बड़ा एक आज के परिवेश में एक एक ये वो बन गया है, क्या कहते हैं उसको, तब देहात में कहा जाता है ना कि एक दोहा बन गया, ठीक है, कि लोग चलते फिरते चले जा रहे हैं, उम्र उम्र का तो कोई मतलब नहीं, ठीक है। अब बहुत कम कहना कहने को बहुत वो है कि इनका उम्र हो गया तो चलेगा, ठीक है। दिक्कत यह है कि आज के परिवेश में जो खाना पीना का सिस्टम है वो बिगड़ गया है, जिसके वजह से कहीं ना कहीं लोग किसी न किसी बीमारी के चपेट में आ जाते हैं, किसी न किसी प्रॉब्लम के चपेट में आ जाते हैं और समय से पहले चले जा रहे हैं। लेकिन कहने का मतलब ये जाने आने की बातें लगी रहेंगी, लेकिन जब तक हम हैं तब तक हमारे शरीर निरोग रहना चाहिए। तो सवाल है यहाँ पे कि क्या आप जिस सेक्टर में हैं, जहाँ जिस सेक्टर से आप बिलोंग करते हैं, क्या वहाँ पे कुछ हेल्थ के लिए है, आपके सेहत के लिए कुछ है, सवाल सारे सवाल जो भी मैं बता रहा हूँ इसको आप नोट करिएगा, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, ये अभी तो सवाल मैं कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद से क्या है, पहचान, ठीक है। एक आम आदमी होता है ना, वो पूरा जीवन काम करता है, ठीक है, पूरा जीवन काम करता है, काम करते 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 भी चला जाता है, ठीक है, चला जाता है ना, लेकिन उसका जो पहचान होता है मुश्किल से 200, 400, 500, ठीक है, तक ही सीमित रह जाता है। यानी पूरे जीवन वो जितना भी जिंदगी जिया, 50 साल, 60 साल, 70 साल, जो भी जिया, ठीक है, लेकिन पहचान के नाम पे बस उसके परिवार वाले, इतना रिश्तेदार और एक आध गांव के लोग बस इतना ही जानते, हम तो यही देखे हैं। लेकिन अब आपके लिए सवाल है कि क्या आप जो काम कर रहे हैं तो वहां पे कोई पहचान मिलने वाला है, कोई पहचान है, बड़ी पहचान है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सुरक्षा, क्योंकि सिक्योरिटी सिक्योरिटी बहुत जरूरी है, जीवन में सिक्योरिटी बहुत जरूरी है, ठीक है। और सिक्योरिटी के लिए हम अपने यहाँ एक संस्था भी चलती है जिसको कहा जाता है LIC, ठीक है, जिसको कहा जाता है जीवन के साथ भी और जीवन के बाद, तो LIC बढ़िया चीज़ है, ठीक है। लेकिन LIC अगर LIC किए हैं और वो LIC का जो बंदा है, अगर जो जिसका बीमा है, अगर बीमा वाला आदमी चला गया तो उसको पैसा एक ही बार मिलता है, ठीक है, और एक बार जो पैसा मिलता है उससे क्या पूरा जीवन चल सकता है, क्या वो परफेक्ट है, ये सवाल। उसके बाद से अगर आप जिस सेक्टर में, आप जिस जहां पे काम कर रहे हैं, चाहे मजदूरी हो चाहे जो भी कर रहे हैं, तो क्या वहां पे कोई सुरक्षा है, कि आप रहें ना रहें तो वहां वो जो वहां पे क्या सुरक्षा है, कि आपके नहीं रहने के बाद भी आपका परिवार सुरक्षित है, ठीक है, इसको थोड़ा सा हमको समझना पड़ेगा, इसके बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है। इसके बाद से
सा आगे और बढ़ते हैं तो एक और चीज होता है कि पूरे लाइफ में लोग काम करते हैं लेकिन किसके लिए काम करते हैं। पूरे लाइफ में काम लोग करते हैं केवल अपने लिए काम करते हैं, अपने परिवार के लिए काम करते हैं, लेकिन क्या हमने तो 95% लोगों को यही देखा है कि अपने लिए, अपने परिवार, अपने हितनाथ के लिए करते हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि हमको दूसरे का भी मदद करना चाहिए? या जिस सेक्टर में हैं आप, जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, क्या वहाँ पे जाने अनजाने दूसरे की मदद कर पा रहे हैं? ये सवाल, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं कि दूसरे को मदद भी करना है, इसके बारे में थोड़ा सा हमको समझ, ठीक है। अब ये जो चीज है, जो चीजें हमने आप सवाल में आपको आपको आपसे हमने सवाल पूछा, तो ये सवाल का आपके पास क्वेश्चन मार्क होगा कि सर को तो सवाल के बारे में पूछ लिया, इसका जवाब तो दिए नहीं, क्योंकि सवाल ही है कि जहाँ जिस सेक्टर में है वहाँ पे अच्छा घर हो सकता है, अच्छा गाड़ी आ सकती है, अच्छा बच्चों का एजुकेशन हो पाएगा, देश विदेश की यात्रा कर पाएंगे, ठीक है, पत्नी जैसा चाहे वैसा कपड़ा जेवर उसको दे पाएंगे, क्या आपको सम्मान मिलेगा, क्या वहाँ पे आपका निरोगी काया है मिल पाएगा, ठीक है, पहचान मिलेगा, सुरक्षा मिलेगा, ठीक है, क्या आप दूसरों की मदद कर पाएंगे, ये सारा सवाल है। दोस्तों जिस सेक्टर में है अगर ये सब मिल जाता है तो आपको हमारी तरफ से ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, इसमें से कुछ भी हमारे लिए हमारे पास नहीं मिल पाएगा जो काम कर रहे हैं, तो वहां पे शुरू होता है DXN, और जहां भी हैं आप लोग DXN के लिए जोरदार ताली बजाएं, क्योंकि DXN में सब कुछ मिलने वाला, DXN में सब कुछ देता जी, तो अच्छा घर चाहिए देगा, DXN देगा, ड्रीम तो बनाइए, सपना तो बनाइए, क्योंकि यहाँ पे तो सिस्टम काम करता है, यहाँ सिस्टम का पावर है कि आपको एक शानदार घर जैसा चाहेंगे वैसा घर मिलेगा यहाँ पे जी। मैं अपनी बात करता हूँ कि 2005 में जब मैं दुबई गया था, दुबई काम करने के लिए गया था, लेबर में काम करने के लिए, ठीक है, तो जो हमारा घर था वो तो हमारे घर में आगे दो छत लगा हुआ था, दो कमरा छत का था, और जो पीछे था उसका मतलब नींव बन गया था, लेकिन साइड से हम लोग घास का जो हम लोग वो उसको बना के रखे पर्दा टाइप का, ठीक है, जिसको देहात में वो क्या कहा जाता है, छप्पर का वो कहा जाता है, ठीक है। और हम पूरा दुबई 6 साल कमा के चले आए, लेकिन हुआ क्या कि वो घर का मुश्किल से हम दीवार खड़ा कर पाए, छत भी नहीं करा पाए, क्योंकि जितना भी हम कमाए उस कमाई का लगभग लगभग कुछ हिस्सा जो है, कुछ का लगभग 70% हिस्सा जो हमने डॉक्टर को दिया जी। लेकिन आज हमने डीएक्शन शुरू किया, 2012 में हम डीएक्शन शुरू किए, उस घर को भी हमने मेंटेनेंस करवाया, एक शानदार गेट लगवाया, ठीक है, और उसके बाद से आज जहाँ पे मैं बैठ के मीटिंग कर रहा हूँ, ये घर डीएक्शन के पैसा से हमने खरीदा जी। यहाँ पे सिस्टम काम करता है। दोस्तों पहले क्यों क्लियर करिए, क्या आपको अच्छा घर चाहिए, तो आइए डीएक्शन आपका वेलकम करते। अच्छा गाड़ी कभी सोचे भी नहीं थे हम, अरे और तो छोड़िए डीएक्शन में आने के बाद भी, क्योंकि डीएक्शन में आने के बाद से सुन पैसे कितना आता है, 1000 PV करेंगे तो 70 रुपया आएगा, 3000 PV करेंगे तो 350 रुपया आएगा, ठीक है, स्टार एजेंट बनेंगे 20-25 हज़ार PV जाता है, 4-5 हज़ार रुपया आएगा, डायमंड बनते हैं 1 लाख PV जाएगा तो 15-18 हज़ार रुपया आएगा, यही ना, और डायमंड बनते बनते कितना लोग खत्म हो जाते, बनिए नहीं पाते, तो शुरू में तो यहाँ पे लग ही नहीं रहा था कि यहाँ भी गाड़ी आएगी, लेकिन थैंक यू मनोज सर, थैंक यू डीएक्शन सिस्टम कि गुरु लोगों ने सपना जगाया कि बेटा यहाँ पे आ सकता है, गाड़ी आ सकती है, और फाइनली डीएक्शन से गाड़ी भी आया, पर्सनल कार भी है, और कार मतलब तो इतना खुशी होता है, ठीक है, बहुत खुशी होता है, पर्सनल कार है आपके पास भी होगा, पक्का होगा, बस कार का ड्रीम देखिए, क्योंकि यहाँ पे कौन देता है पैसा, सिस्टम पैसा देता है। एजुकेशन की बात करते हैं, आज तमाम डीएक्शन के लोगों के बच्चे, आज मैं मनोज सर की बात करता हूँ, तो मनोज सर की बड़ी बिटिया जो है आज देहरादून में पढ़ रही है, देहरादून के बढ़िया मतलब फर्स्ट क्लास कॉलेज में पढ़ रही है, ठीक है,
न्यूट्रिशन डाइटिशन का जो है कोर्स कर रही, और लगातार ये दूसरा साल है, ठीक है, समझिए कितना पैसा लग रहा होगा। तो रिएक्शन क्या, तमाम लीडर लोग हैं हमारे, अपने बच्चे हैं, ठीक है, यहाँ जिस मैं शहर में रहता हूँ, इस शहर के टॉप स्कूल में पढ़ते हैं, ये रिएक्शन के पैसा छो रहा है, एक शानदार एजुकेशन भी यहाँ पे मिल रहा है। देश विदेश यात्रा की बात किया जाए तो विदेश यात्रा तो बहुत सारे लोग करते हैं, ठीक है, लेकिन वो कैसे करते हैं विदेश यात्रा। हम भी विदेश यात्रा करने गए थे, लेकिन हम तो गए थे तो 60-70 हज़ार रुपया भर के गए थे, और वहां जाने के बाद से 800-900 रुपये दरहम पे हम काम कर रहे थे, ठीक है, तो वो विदेश यात्रा थोड़ा होगा। विदेश यात्रा का मतलब यह है कि हम जा रहे हैं तो वहाँ पे फुल एंजॉय करें, ठीक है। आईडीएक्शन से लगभग लगभग हर साल एक विदेश यात्रा मिल जाती है कहीं ना कहीं। अब इंडिया का तो बात ही छोड़िए, इंडिया में तो शायद ही कोई महीना बचता है जिस महीना हम लोग न जाएं, कभी दिल्ली, कभी तमिलनाडु, कभी कोचीन, कभी मुंबई, ठीक है, हमेशा घूमते हैं। तो देश विदेश का यात्रा कौन देता है, एक सब सिस्टम देता है, ठीक है। उसके बाद से पत्नी की साड़ी, ठीक है, हमारे यहाँ तक भोजपुरी में बड़ी पहले गाना आया, ठीक है, उस गाना में गाए थे जो गायक थे भोजपुरी में गाए थे, तो वो गाना था कि भोजपुरी में था कि चोरी करी हो पपियू आ चाहे करी हो सीना जोरी, हमके साड़ी चाहिए। मतलब हमारे यहाँ साड़ी के लिए वो जो दुल्हन थी, जो पत्नी थी, ठीक है, वो अपने पति को कह रही थी कि चोरी करी हो पपियू चाहे खींची हो ठेला गाड़ी, सॉरी चोरी करी हो पपियू चाहे खींची हो ठेला गाड़ी, हमके साड़ी चाहिए, ठीक है। तो मतलब वो यहाँ मतलब किस हद तक उतर गई थी बेचारी, ठीक है, कि हमको साड़ी चाहिए, आप चोरी करिए अच्छा ठेला गाड़ी खींच के आइए, हमको साड़ी चाहिए, ठीक है। आईडिएक्शन में क्या है, साड़ी का तो गिनती ही नहीं, ठीक है, आजकल तो तमाम डायमंड हमारे ग्रुप के हैं जो हर मीटिंग में एक साड़ी खरीद लेते, ठीक है, और गहना जेवर भी धीरे धीरे हो रहा, ठीक है। तो दोस्तों ये भी होगा, ये डिएक्शन सिस्टम देगा। सम्मान जो है बचपन में लोगों को मिल पाता है, कहाँ पे मिलता है कि विद्यालय में कुछ अच्छा परफॉर्मेंस कर दिए, ठीक है, तो थोड़ा लॉकेट, थोड़ा कुछ पेंसिल वगैरह, बस वही सम्मान मिलता है। उसके बाद से पूरा जीवन भर काम करते हैं, कहीं कोई सम्मान नहीं मिलता है, मिलता है तो क्या मिलता है, मुफ्त में रोजगारी मिल जाती है, ठीक, क्योंकि बॉस जब भी देखेगा तो कुछ ना कुछ उल्टा बोलिए देता है। लेकिन डिएक्शन में ग्राउंड मास्टर बन जाइए, कंपनी राजा रानी की तरह। मैं नमन करता हूँ सुरेंद्र प्रसाद धर्मशिला मैडम को, उनका जब वेलकम हुआ था पटना हाल में, हम लोग देखे थे राजा रानी की तरह, यही नहीं तमिलनाडु वहाँ भी हुआ था, बेंगलोर में हुआ था, मैसूर में, राजा रानी की तरह कंपनी जो है सम्मान देती है, ठीक है। और एक उदाहरण की बात करें, ठीक है, सम्मान की बात किया जाए तो यहाँ पे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री के अलावा किसको सम्मान मिलता है, किसी को सम्मान नहीं मिलता, या अगर उनको मिलता भी है, हीरो हीरोइन को मिलता भी है, तो उनके सम्मान से क्या है, सम्मान तो हमारा भी होना चाहिए ना, ये सब सम्मान देते, ठीक है। तो आगे बात करते हैं निरोगी काया। हम किसी भी सेक्टर में चले जाएं, किसी भी सेक्टर में काम कर रहे हैं, वहां पे इस बात की, यहां तक कि हेल्थ सेक्टर वालों की बात कर रहे हैं, एक दिन पेपर न्यूज में भी आया था, ठीक है, कि कोई डॉक्टर थे, वो हार्ट का पता नहीं कितना 100 ऑपरेशन किए और खुद ही हार्ट के मरीज थे, एक्सपायर कर, ठीक है, तो वो आना जाना की बात नहीं है, ठीक है, लेकिन एक अच्छा हेल्थ मेंटेन करना है तो रिएक्शन है, एक अच्छा स्वास्थ्य रिएक्शन देती है, क्योंकि इससे जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट लाजवाब है, प्रोडक्ट में कहीं कोई कमी नहीं है, जानदार प्रोडक्ट है, शानदार प्रोडक्ट है, अभी तक जबरदस्त प्रोडक्ट हम लोग पास आ गया है, कम्बुचा गजब का प्रोडक्ट, बहुत सारे लोग ग्राउंड में बच्चों तो डेली पीना भी शुरू कर दिया है कम्बुचा, ठीक है, लोग भी पीते हैं, कभी कभी दो भी पी लेते हैं, लेकिन यह है कि अभी रील बनाने हम लोग को नहीं आता है। तो ये चीज़ है कि जबरदस्त प्रोडक्ट है कम्बुचा, हर चीज़ मस्त कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे निरोगी काया, निरोगी शरीर देती है रिएक्शन, जबरदस्त तरीके से रिएक्शन का प्रोडक्ट हमको सेवन करना। और बात करते हैं पहचान का, तो जैसा कि हमने बताया कि पहचान जो है कहाँ तक है, सीमित पहचान है हमारा, दूसरे सेक्टर में है, सीमित पहचान है, लेकिन रिएक्शन में आने के बाद से केवल आपका गांव ही नहीं, नगर ही नहीं, जवार ही नहीं, जिला ही नहीं, आपको पूरे वर्ल्ड वाइड, ठीक है, वर्ल्ड वाइड लोग पहचानने वाले हैं, और ये रिएक्शन के
क्राउन एम्बेसडर हैं, अगर क्राउन एम्बेसडर बन जाते हैं पूरे वर्ल्ड वाइड लोग जानते हैं कि डीएक्सएन के इंडिया के फलाने जगह के क्राउन एम्बेसडर, इतना शानदार पर्सन कौन देख डीएक्सएन सिस्टम। और आगे बात करते हैं, आगे आपका सवाल था सुरक्षा सिक्योरिटी, तो सिक्योरिटी का हमने एलआईसी का बात किया। तो दोस्तों कि एलआईसी का जो परिभाषा है हमको भी बहुत कुछ समझ में नहीं आता है, ठीक है, लेकिन जो भी है सही है, कहते हैं ना कि पुछू से नहीं तो पुछू भला, ठीक है, तो जब हमको कुछ पता ही नहीं है तो हम सब वही करते हैं, ठीक है। लेकिन सुरक्षा की बात किया जाए तो यहाँ पे हमारा, हम क्या है, हम नेटवर्क बनाते हैं। आज हमारा नेटवर्क लगभग लगभग 33,000 लोगों का, ठीक है। अब 33,000 लोग का जो नेटवर्क है, अगर हम नहीं रहते हैं तो जो रेशियो कहा जाता है 33,000 में क्या कम से कम जो सबसे कम का रेशियो होता है जो 10% कहा जाता है, तो हमारा जो है लगभग लगभग 3 से 3,500 ग्राहक हमारे पक्का पक्का काम करेंगे। और ये जो 3 से 3,500 ग्राहक जब काम करेंगे डीएक्सएन कंपनी हमको पक्का दे। एक हमारे मित्र, हमारे शुरू के साथी थे रामशंकर जी, आज लगभग लगभग 2 साल से 2-2.5 साल हुआ उम्र हो गया था और नहीं रहे, और आज जब वो जिंदा थे जीवित थे जब डीएक्सएन पे काम कर रहे थे, उनका पीवी जो है कभी भी 2 लाख 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं गया, ठीक है। एक बार जब वो डायमंड बने थे तो 3 लाख पीवी उनका गया था, लेकिन आज है नहीं, आज स्वर्ग में है, ठीक है। लेकिन उनके बीवी और बच्चे को डीएक्सएन कंपनी हर महीना पैसा देती है, वो अपना पीवी, वो लोग डीएक्सएन सिस्टम में भी नहीं है, केवल 3,000 पीवी करते हैं। जब वो जीवित थे तो उनका पीवी 2.5 लाख 3 लाख जाता था, आज वो दुनिया में नहीं है, आज उनका पीवी जाता है 7 लाख। जब वो जीवित थे उनका नेटवर्क था 4,000 का था, आज उनका नेटवर्क लगभग लगभग 12,000 लोगों। ये पावर है। अब बताइए इससे बड़ा सिक्योरिटी कहाँ है, हर महीना हर 10 तारीख को डीएक्सएन पैसा दे, उसको क्यों क्लियर करिए, उनको क्या करना चाहिए, उनको डीएक्सएन ही क्यों करना चाहिए। काम तो हम बहुत सारा कर रहे हैं, पैसा हर जगह से आ रहा है, जहां भी हम काम करते हैं पैसा आता है। लोग कहते हैं ना कहीं भी लगे रहेंगे ना तो पैसा आएगा, कहीं भी लगे रहेंगे दिल से मन से लगेंगे तो पैसा आएगा, लोग कहते हैं, हम भी ये बात कहते हैं, पैसा वहां से भी आ रहा है, ठीक है, पैसा यहां से भी आ रहा है, लेकिन डीएक्शन ही क्यों करना है, ये सिक्योरिटी के लिए करना है, ठीक। और लास्ट में क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन है दूसरों की मदद, ठीक है। तो दूसरे की मदद पे एक मनोज सर का मुझे उदाहरण बताए थे, एक बार याद आ रहा है, बताए थे कि एक मंदिर में हम देखे थे, वहां पे लिखा था कृपया यहाँ ज्ञान न बांटे, यहाँ पहले से ही ज्ञानी है, ठीक है, कृपया यहाँ पे ज्ञान न बांटे, पहले से ज्ञानी है, ये इंडिया है, ठीक है। अगर हम किसी जूते वाले के पास भी जाते हैं और जाके कहते हैं कि हमारे सर में दर्द हो रहा है, तो बोलेगा कि हमारे पास एक बहुत नुकीली कील है, लाइए उसमें ठोक देते हैं आपका सर दर्द सही, ठीक है। तो लोग यहाँ पे ज्ञान बहुत देते हैं, ठीक है। हमारे पिताजी का तबीयत एक बार खराब हो गया, और हमारे बड़े भाई जो हैं, बगल के बड़े भाई जो हैं, वो कहते थे कि बढ़िया से इलाज नहीं करा रहे हैं, खाली जो है डीएक्सएन का दवा खिला रहे हैं, जबकि हम उनको ऑपरेट भी कराए थे, ऑपरेशन भी कराए थे, उनको बढ़िया से थोड़ा ये वो है फलाना 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 डॉक्टर ये सब दिखाइए, ठीक है। तो हम 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन तक सुने, बहुत मतलब ध्यान से सुने, कुछ बोले नहीं, मतलब इतना हमको वो बेचारों मदद करने के लिए इच्छुक थे। तो हम क्या किए कि हम एक दिन थोड़ा सा, उस दिन हमारा मीटिंग भी था, और उसी हमारे बाबूजी का ऑपरेशन हो गया था और सब कुछ सही था, उनको वापस भी लेके आना था घर। हम उनको 100 रुपया दिए, उनका ये लीजिए किराया और एक खाना लीजिए, चले जाइए, आज उनका डिस्चार्ज होंगे, थोड़ा गाड़ी से लेके चले जाइए। तो मेरे बेचारे बिना खेले पीले चले गए और वहाँ से लेके आए, और लेके आने के बाद से पता नहीं क्या क्या सुनाए, लेकिन आज लगभग लगभग 7 साल हो गया हमसे, हमारी तरफ ना देखते हैं ना बोलते हैं। मतलब कि अगर फालतू का ज्ञान कहिए ठीक है तो लोग बहुत कुछ देंगे, लेकिन मदद की बात कर दीजिए ना, कोई मदद के लिए तैयार नहीं, कोई नहीं मदद करता। डीएक्सएन सिस्टम इतना शानदार सिस्टम है कि जाने अनजाने यहाँ पे हम किसी का मदद ही कर रहे हैं जी। कोई आदमी गैस कब्जे से 200 साल से परेशान है, हमने उसको स्पाइसी दे दिया, हमने उसको ऋषि कैनोटी दे दिया, और लगातार उसने 2-4 महीना पिया, गैस कब्जे खत्म हो जी।
हमने मदद किया कि नहीं किया? पूरे जीवन लगभग लगभग 6 साल दुबई हम किए, और नहीं तो 98 से हम पैसा के पीछे लगे थे कि पैसा कमाना है कमाना है कमाना है कमाना है, कहीं नहीं मिल रहा था। ठीक है, कि जाने अनजाने हमारे जो अपलाइन है जो हमको स्पॉन्सर किए, डॉक्टर अवध नारायण जी, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, थैंक यू बोलता हूँ कि हमको स्पॉन्सरिंग किए, तो वो जाने अनजाने बहुत बड़ा हमको मदद कर दिए, और केवल स्पॉन्सरिंग नहीं किए, वो हमको मनोज सर से मिलवा भी दिए, इतना बड़ा हमको मदद कर दिए, इतना बड़ा मदद किए कि आज जिंदगी बदल गया। जो आदमी दुबई में 800 दरहम महीना पे काम करता था जी, पढ़ के 1100 हुआ था, 100 दरहम ज्यादा मांगे थे, मना कर दिया। जो आदमी 800 दरहम महीना पे वहां पे काम करता था, आज पर डे 8000 रुपया आ रहा है। अगर वो मदद नहीं किए होते, अगर वो मनोज सर से नहीं मिलवाए होते, क्या हमारा जीवन बदलता? नहीं बदलता। और केवल हम ही नहीं 8000 कमाते हैं, आज हमारे नेटवर्क में तमाम लोगों का जिंदगी बदल रहा। अगला ने तो हमको मदद किया ना, लेकिन आज हम तमाम लोगों को जाने अनजाने मदद कर रहे हैं। क्या इस सिस्टम आपको नहीं करना चाहिए? एकदम करना चाहिए, करना ही चाहिए। तो दोस्तों आपका वाई क्लियर होना चाहिए, क्या क्या ये सारी चीजें, क्या ये सारी चीजें आपको अदर कहीं मिल सकता है? काम तो हम कहीं भी करते हैं, पैसा हमको कहीं से मिल जाता है। ठीक है, हम तो तमाम SDM DM बहुत सारे तमाम अधिकारी को, मैं किसी का शिकायत नहीं बात कर रहा हूँ, लेकिन हमने देखा है कि रिटायर होने के बाद उनका कोई भी, एक विधायक जी हैं हमारे यहाँ से आते हैं, कभी RDJ लेके जाते हैं, कभी टू दिन कॉफ़ी लेके आते हैं, कभी टू दिन कॉफ़ी लेके जाते हैं, कभी कुछ ना कुछ विधायक जी हैं वो तो एक बार एक हमारा दोस्त आया नोएडा से, वो बैठा हुआ था, तो हमने उसको मोटिवेट करने के लिए हम कहे कि देखिए हमारे प्रोडक्ट को ये विधायक जी हैं, ठीक है, और ये हमारे प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं, तो हम मोटिवेट करने के लिए उनको बोले, तो उन्होंने कहा हाँ विधायक जी हैं। तब तक वो हमारे बगल में बैठा था लड़का, वो बोला कि अरे ये पूर्व विधायक है, ठीक है, पूर्व विधायक है। तो जो नोएडा लड़का है तो बोला कि भाई एक्स विधायक को कौन पूछता, समझिए बात को, ठीक है, मतलब कि क्या बताएं, ये समझने वाली बात है। ठीक है, कि जो भी चीज़ें हैं उसको आपका क्यों क्लियर होना चाहिए। ठीक है, कि वहाँ पे जो कर रहे हैं वहाँ से ज़िंदगी नहीं बदलने वाला है, लेकिन यहाँ पे आते हैं तो आपको हर चीज़ मिलने वाला है, एक अच्छा घर मिलेगा, ठीक है, चाहत वाला आपका जो चाहत होगा वो घर मिलेगा, एक शानदार गाड़ी होगी, जो गाड़ी चाहेंगे वो गाड़ी आपको मिलेगा, आपके बच्चों का अच्छा एजुकेशन होगा, देश विदेश की यात्रा होगी, आपके पत्नी को अच्छा कपड़ा जेवर होगा, आपको सम्मान मिलेगा, आपका शरीर निरोग रहेगा, एक आपको वर्ल्ड लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे एक पहचान मिलने वाली है, सिक्योरिटी मिलने वाली है, सुरक्षा मिलने वाली है, और जो सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे आपको क्या करना है, दूसरों की मदद करना है। और दोस्तों इसके लिए हमको बहुत बहुत ज़्यादा दिमाग में कुछ जगह बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस एक प्रोडक्ट पकड़ लीजिए, एक प्रोडक्ट पकड़ लीजिए, ठीक है, चाय ही पकड़ लीजिए, साबुन ही पकड़ लीजिए, पेस्ट ही पकड़ लीजिए, सलूना ही पकड़ लीजिए, एक प्रोडक्ट का मास्टर बन जाइए जी, एक प्रोडक्ट का मास्टर बन जाइए, छह लाइन को पकड़ के काम कर जाइए, मात्र 300, एक प्रोडक्ट का मास्टर बन जाइए, छह लाइन को पकड़ के 3 साल लग जाइए, पक्का यहाँ पे मिलियनियर बन जी, पक्का मिलियनियर बन जाइए। बस एक ही काम करना है कि जिसको भी, जो भी आपको स्पॉन्सर किया है, ठीक है, की बात को मानना है, ठीक है, और किसी एक को मेंटर बना लीजिए, क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ कि जब तक आपके जीवन में गुरु नहीं तब तक आपका जीवन गुरु नहीं, तो एक मेंटर बना लीजिए, और मेंटर बना के और इस सिस्टम को फॉलो करिए, सिस्टम को फॉलो करेंगे ज़बरदस्त तरीके से रिजल्ट आने वाला है। दोस्तों हमारा ज़िंदगी बदला है, आज तमाम हमारे ग्रुप में लोगों की ज़िंदगी बदल रही है, आपका भी ज़िंदगी बदलेगा। इन्हीं सारी बातों के साथ आज के इस प्रोग्राम में मैं अपनी बाड़ी को विराम देता हूँ, और सभी लोगों ने धैर्य से सुना, थैंक यू, गुड मॉर्निंग। Thank you.